देश के पहले एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का राजनाथ सिंह आज करेंगे उद्घाटन। फाइटर जेट में उड़ान का अनुभव ले सकेंगे लोग। केरल में डूबी टूरिस्ट नाव, अब तक 22 की मौत। पीएम मोदी ने जताया दुख, 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। सऊदी अरब में अजीत डोभाल से मिले अमेरिका के एनएसए सुलीवन, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी रहे मौजूद। स्वर्ण मंदिर के पास अमृतसर की हेरिटेज स्ट्रीट पर एक और धमाका, 24 घंटे में दूसरा ब्लास्ट। कर्नाटक चुनाव की सियासी जंग पर बोले पवार, हैरान हूं कि पीएम मोदी धार्मिक नारे लगा रहे हैं। अपराधियों पर सीएम योगी का बड़ा जुबानी हमला, कहा माफियाओं की गर्मी निकालकर मौसम ठंडा कर दिया। मणिपुर हिंसा पर अमित शाह ने की लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, कहा राज्य सरकार परामर्श के बाद सही निर्णय लेगी। बीजेपी के पीछे पड़ने पर या तो भगवान ले जाएंगे या सीबीआई, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष का बयान। मणिपुर में फंसे यूपी के लोगों को निकालने में जुटी यूपी सरकार, सीएम योगी ने दिए खास निर्देश। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मेरठ में रोड शो करेंगे, रूठे मुस्लिमों नेताओं को मनाने पर रहेगा जोर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।